हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो फार्माकोलॉजिकल स्टडी में बेसिकली यूज़ होती हैं। हम फार्माकोलॉजी में इनको पढ़ते हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहली टर्म है इसमें एगोनिस्ट। एगोनिस्ट किसे कहते हैं? एन एगोनिस्ट इज़ ए केमिकल दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। एगोनिस्ट किसे कहते हैं? एगोनिस्ट वो ड्रग या वो केमिकल होता है जो रिसेप्टर पे बाइंड होकर के उसको एक्टिवेट कर देता है और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम देखें कि रिसेप्टर कैन बी एक्टिवेटेड बाई आइदर एंडोजीनस एगोनिस्ट और एग्जोजीनस एगोनिस्ट। तो दो टाइप के जो है एगोनिस्ट होते हैं, एक तो एंडोजीनस और एक एग्जोजीनस। तो एंडोजीनस एगोनिस्ट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जबकि एक्सोजीनस एगोनिस्ट हैं जैसे कि ड्रग्स। तो यहाँ बात हम करते हैं कि एगोनिस्ट क्या है। वो केमिकल है जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड होकर के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस एगोनिस्ट और एक्सोजीनस एगोनिस्ट। एंडोजीनस में हम बात करते हैं हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जबकि एक्सोजीनस में ये ड्रग्स जो है एक्सोजीनस एगोनिस्ट होते हैं जो कि रिजल्टिंग इन ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो यहाँ एक और है चीज़ है कि ए फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट क्रिएट्स द सेम बॉडीली रेस्पॉन्स बट डज नॉट बाइंड टू ए सेम रिसेप्टर। एक कुछ फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट भी होते हैं जो सेम बॉडीली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो है कि सेम रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हैं। तो ये बात हुई एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट क्या है? केमिकल या एक ड्रग है जो रिसेप्टर पे बाइंड होकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। बेसिकली हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एन एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। नाम से इंडिकेट होता है कि ये एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। और हम इसके बारे में हालांकि बाद में पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें लॉक एंड की थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे इनमें। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है कि ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। द एक्टिविटी मीडिएटेड बाई एगोनिस्ट इज अपोज्ड बाई एंटागोनिस्ट। क्या है कि जो एगोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जो मीडिएट करता है, उसको एंटागोनिस्ट अपोज करते हैं। विच इनिबिट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाई एगोनिस्ट। अगर कोई एगोनिस्ट जो है, कोई ड्रग जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो एंटागोनिस्ट उस रेस्पॉन्स को इनिबिट करता है। तो यहाँ दो टाइप के हम देखते हैं जो एंटागोनिस्ट हैं, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का नाम से इंडिकेट होता है कि ये सेम बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करते हैं और जो है ये एगोनिस्ट को रिप्लेस करके खुद बाइंड हो जाता है, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। जबकि नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या है, कैन प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट विदाउट द एनी इफेक्ट ऑन द बाइंडिंग साइट ऑफ द एगोनिस्ट और टू द रिसेप्टर। जो ये उस सेम बाइंडिंग साइट पर जो है बाइंड नहीं होते, जबकि एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं बिना किसी कंपटीशन के। तो ये कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट और एक नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेयर रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स आर केमिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन दैट रिसीव एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल्स दैट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। ये रिसेप्टर्स क्या, बेसिकली ये केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसड्यूस करते हैं, और ये जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि दीज सिग्नल्स आर टिपिकली केमिकल मैसेंजर्स विच बाइंड टू रिसेप्टर एंड कॉज सम फॉर्म ऑफ सेलुलर और टिश्यू रिस्पॉन्स, दैट इज चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जो सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये किसी सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज करते हैं। तो ये रिसेप्टर हुआ, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी देखें कि कुछ स्पेयर रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो रिसेप्टर्स मे बी कंसिडर्ड एज स्पेयर व्हेन द मैक्सिमल रेस्पॉन्स इज एलिसिटेड बाई एन एगोनिस्ट एट ए कंसंट्रेशन दैट डज नॉट प्रोड्यूस फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ द अवेलेबल रिसेप्टर। जो अवेलेबल रिसेप्टर है उसकी फुल ऑक्यूपाई नहीं, उसको नहीं करते हैं ड्रग जो है एगोनिस्ट हैं, और जो है मैक्सिमल रेस्पॉन्स एलिसिट करते हैं, तो उनको हम स्पेयर रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिक्शन।
एडिक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि लत लग जाना किसी भी चीज़ की, उसे एडिक्शन कहते हैं, और अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल व्यू में या ड्रग के रिस्पॉन्स में बात करेंगे। तो एडिक्शन इज़ ए साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी टू स्टॉप कंज्यूमिंग ए केमिकल और ड्रग एक्टिविटी और सब्सटेंस इवन दो इट इज़ कॉजिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म। क्या है कि जब कोई पर्सन किसी ड्रग या केमिकल को लेता है तो वो उसको जो है साइकोलॉजिकल और फिजिकल इनएबिलिटी होती है, वो चाह करके भी और साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी उसको रोक नहीं पाता है, उसको स्टॉप नहीं कर पाता है उसको लेना, इसे डिपेंडेंसी या इसको एडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो जो है साइकोलॉजिकल या फिजिकल हार्म भी कर रहा है वो ड्रग केमिकल, लेकिन एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट होने की वजह से उस ड्रग को लेना बंद नहीं कर पाते हैं, ये इसे एडिक्शन कहते हैं। द टर्म एडिक्शन डज नॉट ओनली रिफर टू द डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंसेज सच एज हीरोइन और कोकेन। ए पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप टेकिंग ए पर्टिकुलर ड्रग और केमिकल हैज़ सब्सटेंस डिपेंडेंस। तो हालांकि जो है जो एडिक्शन है वो केवल किसी सब्सटेंस जैसे हीरोइन या कोकीन को लेना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन कोई किसी ड्रग या केमिकल को लेता है और उसको रोक उसको जो है स्टॉप नहीं कर पाता है, उसको से रुक नहीं पाता है, तो उसको भी एडिक्शन कहते हैं, उस सब्सटेंस का डिपेंडेंस कहते हैं उसकी। तो हम देखेंगे एडिक्शन क्या है। बेसिकली ये बायो साइकोसोशल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स और रिपीटेटिव एंगेजमेंट इन ए बिहेवियर सच एज गैम्बलिंग डिस्पाइट हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स। तो ये क्या है, किसी ड्रग को रिपीटेडली जो है जब लेते हैं बार बार इसी ड्रग को लंबे समय तक लिया जाता है, तो वो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एडिक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं, और ये बायोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई पर्सन जो है किसी गैम्बलिंग में जुआ खेलने में या जो बिहेवियर उसका होता है, लेकिन वो अपने चाहे उसको खुद को कितना ही नुकसान हो रहा होता हो या किसी दूसरे को उससे कोई हार्म हो रहा हो, लेकिन वो उसमें एंगेज रहता है, उसको छोड़ नहीं पाता है, वो भी एक तरह का एडिक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं टॉलरेंस की हम बात करेंगे। तो टॉलरेंस इज़ कॉमन, इट कैन डेवलप व्हेन योर बॉडी इज़ रेगुलरली एक्सपोज्ड टू ए मेडिकेशन। जब किसी की बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से रेगुलरली एक्सपोज होती है, बार बार उस मेडिसिन को लिया जाता है, तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। बेसिकली टॉलरेंस है क्या चीज़ कि इन इफ़ योर बॉडी हैज़ डेवलप ए टॉलरेंस टू ए मेडिकेशन यू आर टेकिंग, इट मीन्स द मेडिकेशन एट योर करंट डोज हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग एज इफेक्टिवली एज इट वंस डिड। तो क्या है कि अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं और उसको रिपीटेडली लेते हैं, तो एक टाइम वो होता है कि उस करंट डोज पर वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है जैसे पहले कर रही थी, तो इसको टॉलरेंस कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि बॉडी उस डोज को टॉलरेट करने लगती है और टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें, इट माइट मीन योर बॉडी बिकम्स यूज टू मेडिकेशन and you don't get the same benefit or effects as before. Your doctor may need to increase the dose, change the regimen, or in some cases, prescribe a different medication. अब यहाँ पे क्या होगा, जब टॉलरेंस अगर डेवलप हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसमें या तो उसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी या जो है उसका रेजिमेंट चेंज करना पड़ेगा, या कुछ केसेस में जो है कि डिफरेंट मेडिकेशन को इसके प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, ये टॉलरेंस है। तो हम ड्रग के ड्रग टॉलरेंस की हम बात अगर हम करें तो ड्रग टॉलरेंस क्या है, ए फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट डिस्क्राइबिंग सब्जेक्ट रिड्यूस्ड रिएक्शन टू ए ड्रग फॉलोइंग इट्स रिपीटेड यूज़। अगर कोई ड्रग को लंबे समय तक बार बार उसको यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे क्या है, एक फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाती है उस ड्रग के प्रति। तो हम देखें कि इसमें डिपेंडेंस, देन नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस इज डिफाइंड एज ए साइकिक और फिजिकल स्टेट ऑफ ए पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियरल एंड अदर रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन कंपल्शन टू टेक अ ड्रग। ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है कि एक पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर ड्रग पे या पर्टिकुलर केमिकल पर वो बिल्कुल निर्भर हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, और उसको एक जो है एक बिहेवियरल और अदर रिस्पॉन्सेज उसके ऐसे रहते हैं कि उसको ड्रग वो लेना ही पड़ती है, मजबूरी है उससे बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखें कि ऑन कंटिन्यूस और पीरियोडिक बेसिस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस इट्स साइकिक इफेक्ट एंड एट टाइम्स टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट
ऑफ इट्स एब्सेंस, अगर जो है इसको लेना बंद करते हैं तो उसमें क्या है कि डिस्कम्फर्ट डेवलप हो जाता है, वो परेशानी इसमें होती है, तो इसको डिपेंडेंस कहते हैं। तो यहाँ अब कुछ बात हम देख लें यहाँ पे कि जो है यहाँ आप देखें कि डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस यहाँ पे कि यहाँ कुछ टर्म्स हैं, टॉलरेंस क्या है, डिपेंडेंस क्या है, एडिक्शन क्या है, इसमें कुछ डिफरेंस भी हैं क्या। जैसे टॉलरेंस है तो सर्टेन सेल रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट एक्टिवेट्स व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग लाइक दे वंस डिड। टॉलरेंस क्या है कि बॉडी टॉलरेट हो जाती है, मैंने जैसे आपको बताया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो ड्रग के प्रेजेंस में एक्टिवेट होते थे, तो ड्रग की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्या है कि बार बार उस ड्रग को लेने की वजह से वो रिसेप्टर्स जो है रिस्पोंड करना बंद कर देते हैं, इससे टॉलरेंस डेवलप होता है। वहीं डिपेंडेंस की हम बात करें तो इफ़ द ड्रग इज़ नॉट प्रेजेंट और द डोज इज़ सडनली रिड्यूस्ड यू माइट एक्सपीरियंस विदड्रॉवल। तो डिपेंडेंस में क्या है कि अगर जो है ड्रग प्रेजेंट नहीं है, ड्रग नहीं है या उसकी डोज को सडनली कम कर दिया जाए, तो उसमें क्या है कि विदड्रॉवल एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें होने लगती है डिपेंडेंस में। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखें कि एडिक्शन, एडिक्शन क्या है, इज़ ए क्रॉनिक और रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़। बेसिक एडिक्शन क्या है, क्रॉनिक और रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है। इट इज़ नॉट द सेम एज फिजिकल डिपेंडेंस दैट इज़ विदड्रॉवल एंड टॉलरेंस, बट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ जो एडिक्शन है, यहाँ पे अगर मेडिसिन या ड्रग या केमिकल जिसको में एडिक्ट है पर्सन, अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो वो उसका अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है और उसके बिना वो बिल्कुल भी रह नहीं पाता है। जैसे कंटिन्यूड यूज़ डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेज, कंपल्सिव यूज़ एंड कैविंग्स। तो यहाँ पे इसको ड्रग को लेना बहुत उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ जैसे अब उसमें कुछ और भी लिखे हैं, जैसे कि एडिक्शन इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस टू ब्रेन पाथवेज इन्वॉल्व इन रिवॉर्ड स्ट्रेस एंड लर्निंग, एंड दो दीज चेंजेस कैन लास्ट ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द एडिक्शन एडिक्टिव सब्सटेंस इज़ नॉट नो लॉन्गर यूज्ड। तो ये एडिक्शन हुआ। इसके बाद में हम देखें टैकीफाइलेक्सिस किसे कहते हैं, कि टैकी मीन रैपिड एंड फाइलेक्सिस मीन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखें, इट इज़ ए मेडिकल टर्म डिस्क्राइबिंग एन एक्यूट सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कोई ड्रग ली जाती है अगर, तो उसके लेने के तुरंत बाद जो है उसका जो रिस्पॉन्स एकदम से कम हो जाता है बहुत तेज़ी से। दैट इज़ रैपिड एंड शॉर्ट टर्म ऑनसेट फॉर ड्रग टॉलरेंस जो है, बल्कि इसको भी हम देख कहा जाए तो ये एक रैपिड एंड शॉर्ट टर्म जो है ड्रग टॉलरेंस का ही ये ऑनसेट है। तो यहाँ देखें, इट कैन आकर आफ्टर एन इनिशियल डोज और आफ्टर ए सीरीज ऑफ स्मॉल डोजेज। इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग मे बी एबल टू रिस्टोर द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। अगर जो है ड्रग की डोज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वो ओरिजिनल रिस्पॉन्स आ सकता है। ये टैकीफाइलेक्सिस हुआ क्योंकि ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में, ड्रग लेने के बाद में उसका तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वहीं नेक्स्ट हम देखें इडियोसिंक्रेसी हम बात करें तो ये जेनेटिकली वेरिएशन इन ए रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन ये होगा। तो हम बात करें इन फार्माकोलॉजी, इडियोसिंक्रेसी रिफर्स टू एन इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन विच इज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन एजेंट सच एज ड्रग विच डज नॉट अकर इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु हैव यूज द सेम एजेंट। तो इडियोसिंक्रेसी क्या कहते हैं कि जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन इन द ऑफ द ड्रग। यहाँ पे क्या है कि कुछ मेडिसिन हम लेते हैं तो कुछ मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सब में नहीं आते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल में वो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो जिसमें आते हैं केवल उसी को वो होता है। जैसे कुछ मेडिसिन हैं कि किसी में उसके रिस्पॉन्स साइड इफेक्ट्स आते हैं और किसी में नहीं आते हैं, तो ये इसका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हुआ। जैसे कि INH होता है, आयसिनियाजिड एक ड्रग होती है, एंटी टीबी ड्रग है, तो उसमें कुछ उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन से होता है। अब वहाँ पे उसमें दो टाइप के जो
मेटाबोलाइट्स उसके बनते हैं, दो टाइप के पेशेंट होते हैं, एक स्लो एसिटाइलेटर्स और एक फास्ट एसिटाइलेटर्स। जिनमें स्लो एसिटाइलेशन होता है इसका मतलब उसमें ड्रग जो है बहुत जो है धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती है और उसमें ड्रग लंबे समय तक रहती है, लेकिन जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं उनमें ड्रग बहुत तेज़ी से मेटाबोलाइज होती है और ड्रग जो है जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है और वहाँ पर ड्रग की डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। तो ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन है। तो ये यहाँ आप देखें कि इडियोसिनकेटिक रिएक्शन या इडियोसिनकेसी इज एन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल दैट इज पिक्यूलियर टू ए गिवन इंडिविजुअल। तो क्या किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल इंडिविजुअल के लिए वो पिक्यूलियर होता है वो एक्शन, वो इडियोसिनकेसी रिएक्शन होती है। जैसे आप इसमें कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि एन एबनॉर्मली एग्जेग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑन और एन एबनॉर्मल लैक ऑफ रेस्पॉन्स, किसी में बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्स होता है और किसी पर्सन में कोई रेस्पॉन्स आता ही नहीं है, तो उस तरह के ये है, ये इडियोसिनकेटिक रिएक्शन है। तो कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं कि और आप देख लें इसमें, तो यहाँ कुछ कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इडियोसिनकेटिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि ड्रेस DRESS ड्रेस सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस एंड स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। तो यहाँ हम देखें कि ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है और TEN क्या होता है और SJS क्या होता है। तो ड्रेस सिंड्रोम की हम बात करें तो ड्रग रैश विद यूसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स, तो यह कि इज एन एडवर्स रिएक्शन टर्म दैट इज करंटली यूज टू डिस्क्राइब ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद एन एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी अप टू 10%। ये क्या है कि एडवर्स रिएक्शन है ये इसी ड्रग की प्रति जो है, और वो क्या है करंटली ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और जबकि इसमें जो है कि कम से 10% तक इसमें मॉर्टेलिटी हो जाती है, पेशेंट जो है वो डाई हो सकता है। तो यहाँ दूसरी चीज़ें हैं जैसे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस 10 एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम SJS, ये भी कुछ जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं किसी ड्रग के प्रति। तो यहाँ ये बेसिकली होती क्या है कि ये बेसिकली जो है आप इसमें देखें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होती हैं एडवर्स रिएक्शंस जो है 10 और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। यहाँ बोथ आर रेयर, हालांकि जो 10 और SJS हैं ये अफेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 ऑफ 10 lakhs एनुअली, मतलब वो इतने 10 लाख लोगों में करीब 1 या 2 लोगों इसमें होती है, लेकिन फिर भी जो है कि मेडिकल इमरजेंसी है और ये पोटेंशियली फेटल है। इसमें क्या इन इस रिएक्शन में 10 में और SJS में पेशेंट जो है वो डाई हो सकता है, पोटेंशियली फेटल हैं। तो ये कुछ जो है मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको फार्माकोलॉजी में पढ़नी है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है आपके बी फार्म में फार्माकोलॉजी में, आप इनको पढ़ लें। और अभी अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नॉलेजेबल वीडियो टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।